नमस्कार, आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, आज हम बात करते हैं, क्या आपको भी लगता है इस जगह मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये जगह मैंने पहले भी देखी है, इस जगह से मेरा बहुत पुराना नाश्ता है, इस व्यक्ति को मैं पहले से जानती हूँ, या कहीं अनजानी जगह गए तो लगता है कि सब कुछ पता है। तो ये लक्षण बताते हैं कि आपका ये पहला जन्म नहीं है, पहले भी इस दुनिया में आप आ चुके हैं, इन लोगों इन जगहों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। कई बार आपके साथ ऐसी घटनाएं और आदतें जुड़ी होती हैं जिसका आपकी सामान्य जीवन शैली से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप और आपके साथ के लोग भी इन बातों पर हैरानी जताते हैं, आखिर ऐसा क्यों है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह आपके पूर्व जीवन से जुड़ा हो सकता है। आत्माओं और पुनर्जन्म की बातें आज भी रहस्य हैं। एक बार के लिए अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो कि पुनर्जन्म होता है, तो आपको ये जरूर जानने की इच्छा होगी कि आपकी आत्मा ने पहली बार जन्म लिया है मनुष्य रूप में, या इससे पहले आप कई जन्म ले चुके हैं, और जन्म ले चुके हैं तो किस योनि में जन्म ले चुके हैं और कहाँ रह चुके हैं, और उन चीज़ों से जुड़ाव महसूस होता है जहाँ पर आप अभी महसूस कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि कौन थे, कैसे थे। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि कोई छोटा बच्चा है, वो बताता है कि मैं फला जगह पर, मेरे बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं वहाँ था, मेरा घर है, और लोग लेकर जाते हैं तो वो एक एक व्यक्ति को पहचानता है, कमरे की एक एक चीज़ को पहचानता है, अपने खेत बाड़ी जमीन जायदाद बाल बच्चे जो कि बूढ़े हो गए होते हैं उन्हें भी बताता है। तो यह पुनर्जन्म ही तो है। अगर आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका आपके वर्तमान जीवन से कोई नाता ना हो, जैसे आप ऊंचाई, पानी, आग से डरते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई हो तो आप क्यों इतना डर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि निश्चित आपका पूर्व जन्म से इससे कोई नाता है। अगर अक्सर आपको एक ही सपना बार बार आ रहा हो, इसका नाता आपके पूर्व जन्म से हो सकता है। ऐसे सपनों में दिखने वाले लोग आपको पहचाने हुए से लगते हैं, आपको याद नहीं आता कि आपने उन्हें कहाँ देखा है, लेकिन आपको ये लगता है कि ये लोग जाने पहचाने हैं, कहीं देखा है, उनसे एक आंतरिक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये आपके पूर्व जन्म से जुड़े लोग हो सकते हैं, हो सकता है उस जन्म में वे आपके सहयोगी रहे हों, आपके पड़ोसी या कोई ऐसा दोस्त जिससे आपके बहुत करीबी संबंध रहे हों, इसी कारण आपको ये बार बार सपने आते हों। हो सकता है आप किसी से पहली बार मिल रहे हों, लेकिन मिलते ही आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आप उससे बहुत पहले से जानते हैं। बस में, ट्रेन में, रास्ते में, कहीं शॉप पर, कहीं भी अचानक वो व्यक्ति आपसे टकरा जाता है और आपको लगता है कि आप पहले भी मिल चुके हैं। एक अजीब सा अपनापन आपको उसके लिए महसूस होता है। आपको नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों किसी अजनबी के लिए आपको इतना क्लोजनेस महसूस हो रहा है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आप पिछले जन्मों से उस व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध में रहे हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में वो आपके सोलमेट रहे हों। किसी चीज़ के प्रति आपकी खास दीवानगी होती है, कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई भावनात्मक जुड़ाव है, जैसे अनाथ बच्चों, बूढ़ों, अपाहिजों, भिखारियों के प्रति खास दया भाव, आप न चाहते भी उनको दिल में बेहद दया सहानुभूति महसूस करते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। इसका अर्थ है पूर्व जन्म में आप ऐसी किसी परिस्थिति से जरूर जुड़े हैं। संभव है पूर्व जन्म में आप इन परिस्थितियों से जूझे हों, इसलिए इनके दर्द का एहसास कर पा रहे हों। इसका मतलब है कि आप पहले कई जन्म ले चुके हैं। इसके साथ कई बार आपको ऐसे लोग भी मिलते जो कहते हैं कुछ बुरा होने से पहले उन्हें बुरा होने का एहसास होने लगता है, इसीलिए वह अनहोनी होने के डर से डरते हैं। आप इसे अपने मन का वहम, बेकार का डर भी नहीं कह पाते, क्योंकि आपका यह डर अक्सर हमेशा सही साबित होता है। आपने सुना होगा कि उम्र के साथ परिपक्वता आती है, और यहाँ भी यही थ्योरी काम करती है कि आपके शरीर में
एक प्रौढ़ आत्मा है जो इससे पहले कई जन्म ले चुकी है, इसलिए अपने अनुभवों के आधार पर वह वर्तमान में होने वाले घटनाक्रमों के साथ ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी भांप लेती है। हालांकि आपके पूर्व जन्मों से जुड़े इन एहसासों का आपके जीवन से कोई नाता नहीं है, ना ही कोई फायदा या नुकसान। हाँ, इतना जरूर है कि इससे संकेत देता है कि पूर्व में आप जिस प्रकार आपकी आत्मा बार बार जन्म लेती रही है, उसी प्रकार आप आगे भी जन्म लेते रहेंगे। यह जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, फिर नए रूप में जन्म लेंगे। अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे तो बार बार ऐसा लगता है कि कुछ कहीं मेरा जन्म हुआ था और ये मेरा दूसरी बार जन्म है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है जिससे आपको ये लगता है कि आपकी किसी और ज़िंदगी की तरफ इशारा करता है। अगर आपको महसूस होता है तो ये आपका वहम नहीं बल्कि हकीकत हो सकता है, क्योंकि यह संभव है कि वो संकेत आपके पिछले जन्म की तरफ इशारा कर रहे हों। और पिछला जन्म आपका क्या था? जब आप चेतनात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं तब वह यादें आपसे दूर चली जाती हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी के झमेले में अपने काम में लग जाते हैं तो वो यादें दूर हो जाती हैं, लेकिन अवचेतन मन में ये बातें हमेशा रहती हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत की मान्यता है। पुनर्जन्म लेने के पश्चात आपके मन में पिछले जन्म की यादें रहती हैं, लेकिन वो वक्त के साथ धूमिल हो जाती हैं। जब आप चेतनात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं तो यादें आपसे दूर होती हैं, लेकिन अवचेतन मन में दबी रहती हैं, जो कभी कभी संकेत देती हैं और हमारी वर्तमान लाइफ को, हमारे विचारों को प्रभावित भी करती हैं। तो कई बार लोगों को बहुत सारी चीज़ें जैसे ऊंचाई, पानी, आग, किसी खास रंग, जीव, चीज़ से जुड़ाव या डर लगता है, तो निश्चित ही आपका इनसे कोई नाता रहा है। बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जब जब भी आप सोते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड सपने आते हैं, क्योंकि सपने हमारे पिछले जन्म की यादें और अवचेतन मन से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब वो यादें इस जन्म में कभी नज़र आती हैं और बुरे सपने के रूप में दिखाई देती हैं, ऐसे सपने अक्सर जहन में याद रहते हैं, क्योंकि आपको बार बार एक ही सपना आता है, तो निश्चित उसकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ती रही होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी जगह जाते हैं या कोई चीज़ देखते हैं तो उसके प्रति विशेष आकर्षण महसूस होता है, तब आप उसे जानना चाहते हैं या उससे अलग होना आपके लिए तकलीफ देह होता है। तो ये बातें इस बात का संकेत हैं कि उन चीज़ों से आपका पिछले जन्म का लगाव हो या पिछले जन्म की यादें जुड़ी हों। कई बार ऐसा होता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसे जी चुके हैं। कई लोग इसे वहम मानकर जाने देते हैं, लेकिन आपकी पिछली जिंदगी का बीता हुआ पल हो सकता है। कोई अनजाने से आपकी दोस्ती हो जाना, अनजाने से आपका लगाव हो जाना, ये आपका पिछले जन्म का कनेक्शन ही तो है। तो इस चीज को तभी महसूस कर पाएंगे जब आप अपने आप में रहेंगे, अपने को पहचानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान प्राणायाम करेंगे, तो आप ये महसूस कर सकेंगे कहाँ क्या कैसे कितना सच है मेरा पिछला जन्म और ये वर्तमान जन्म। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।